गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में। इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी इज टू बी सेट अप इन विच सिटी, यानी कि भारत का पहला अटल अकेडमी किस शहर में स्थित होगा। राइट आंसर है जयपुर, ये जयपुर में स्थित होगा। अटल का मतलब है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी। AICTE की बात करें तो ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए काउंसिल है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। मिस्टर अनिल सहस्त्रबुद्धि AICTE के चेयरमैन हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत 2021 पीसा इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। भारत 9 साल के बाद इसमें पार्टिसिपेट करेगा। पीसा का मतलब है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भास्कर रामामूर्ति कमेटी का भी गठन किया है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी शुरू की है ताकि डिजिटल एजुकेशन है वो सभी को असेसिबल हो सके। कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसको किस IIT इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड्स द हाई लेवल कमिटी ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बनाई गई हाई लेवल कमेटी के हेड कौन है। राइट आंसर है मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। मिस्टर इंजेती श्रीनिवास हैं, वो इस हाई लेवल कमेटी के हेड होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का उद्देश्य है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ पॉलिसी से रिलेटेड सुझाव देना। सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन हैं। ये कमेटी शेड्यूल 7 है जो कंपनीज एक्ट का, उसको भी रिव्यू करेगी। शेड्यूल 7 में उन एक्टिविटीज़ का जिक्र है जिसमें कंपनीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम कर सकती हैं। कंपनीज एक्ट की बात करें तो जिन कंपनीज का टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और उससे ज़्यादा है, तो उन कंपनीज़ को कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के तहत अपने नेट प्रॉफिट का 2% या उससे ज़्यादा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल मेजर जनरल इन द 47 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के 47 साल के इतिहास में पहली बार किन महिला को मेजर जनरल बनाया गया है। राइट आंसर है मिस सुसान गीती, उनको मेजर जनरल बनाया गया है। वो पहली ऐसी महिला हैं जो मेजर जनरल की पोजीशन तक पहुंची हैं। बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश की बात करें, ये एक साउथ एशियन देश है। टका इसकी करेंसी है और ढाका इसकी राजधानी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो भारत के 5 राज्यों पे बांग्लादेश बॉर्डर लगता है। ये हैं आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर 4 बॉर्डर हाट हैं। इनमें से 2 बॉर्डर हाट हैं कलाइचर और बलात में। कलाइचर और बलात मेघालय में स्थित हैं, जबकि 2 बॉर्डर हाट त्रिपुरा में स्थित हैं। ये श्रीनगर और कमला सागर में हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच बॉर्डर हाट की पहली जॉइंट मीटिंग त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुई थी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो सुरक्षा प्रदान करती है। बांग्लादेश SAARC यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी एक मेंबर है। SAARC का मुख्यालय काठमांडू में है। इसके अलावा बांग्लादेश BIMSTEC यानी कि BIMSTEC का मेंबर भी है। BIMSTEC का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में BIMSTEC की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज़ बीन नेम्ड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि किस भारतीय मूल की पर्सनैलिटी को IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। राइट आंसर है
मिस गीता गोपीनाथ, ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट होंगी। ये एक US सिटीज़न हैं और भारत की ओवरसीज सिटीज़न हैं। IMF की बात करें तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। क्रिस्टिन लगार्ड हैं, वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th century ऊंट का डाल ब्रिज विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि 17वीं शताब्दी का ऊंट का डाल ब्रिज किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के डल लेक में स्थित है। हाल ही में जर्मनी सरकार ने ऊंट का डाल ब्रिज के कंजर्वेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कही है। ऊंट का डाल ब्रिज की बात करें तो इसको 17वीं शताब्दी में बनाया गया था मुगलों के समय में। ये एक स्टोन मैसोनरी ब्रिज है। कमेंट बॉक्स में बताइए श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कि CBG के यूज़ को प्रमोट करने के लिए भारत ने कौन सा नया इनिशिएटिव चालू किया है। राइट आंसर है सतत। सतत भारत सरकार की एक नई पहल है ताकि कंप्रेस्ड बायोगैस के यूज़ को प्रमोट किया जा सके। सतत का मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बायोगैस की बात करें, बायोगैस है वो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब है बिना ऑक्सीजन के। ये वेस्ट से जनरेट की जाती हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद इसे कंप्रेस कर दिया जाता है और इसमें 95% से भी ज़्यादा मीथेन कंटेंट होता है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक गोबर धन योजना भी शुरू की थी। ये योजना बजट सत्र के दौरान घोषित की गई थी। गोबर धन का मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। इस योजना के तहत जो वेस्ट हैं उसको यूजफुल कंपोस्ट, बायोगैस और बायो CNG में कन्वर्ट किया जाएगा। ये योजना हरियाणा के करनाल से अनाउंस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन वाइड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी, यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट स्कीम है वो किस शहर से लॉन्च की गई है। राइट आंसर है ग्वालियर। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शुरू की गई है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक पहल है। इसके तहत जो पुअरेस्ट पीपल हैं सोसाइटी के, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित तुलसीदास बोरकर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज़ द लीजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पंडित तुलसीदास बोरकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट थे। राइट आंसर है हारमोनियम। वो हारमोनियम बजाते थे। उनको भारतीय म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा 2005 में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। कुछ और मेजर पर्सनैलिटीज़ की बात करें जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो ये हैं मिस्टर गौरचंद मोहपात्रा, ये उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे। मिस्टर कोफी अन्नान जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे थे वो घाना से थे। मिस्टर एम करुणा निधि जो कि तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मिस्टर कुलदीप नैयर जो कि एक जर्नलिस्ट थे। मिस्टर सोमनाथ चटर्जी जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर थे। कमेंट बॉक्स में बताइए लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। मिस्टर ब्रिज कात्याल जो कि एक बॉलीवुड राइटर थे। मिस्टर स्टीफन हॉकिंग जो कि एक फिजिसिस्ट थे। मिस्टर बलराम जी दास टंडन जो कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे, उनके निधन के बाद मध्य प्रदेश की गवर्नर मिस आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। मिस्टर जसदेव सिंह जो कि एक हिंदी कमेंटेटर थे वो दूरदर्शन से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड इंडियन स्टेट आफ्टर राजस्थान टू सेट अप मिनिस्ट्री फॉर काउज, यानी कि गाय के लिए एक मिनिस्ट्री सेट करने वाला राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा है। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर गाय के लिए एक मिनिस्ट्री यानी कि एक मंत्रालय होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने
हाल ही में अनाउंस किया था कि मध्य प्रदेश 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस के तौर पर मनाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए किस सरकार ने स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कड़कनाथ चिकन मीट को GI टैग दिया गया है। GI का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द थर्ड यूथ ओलंपिक गेम्स 2018, यानी कि 2018 के यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन होंगे। राइट आंसर है मिस मनु भाकेर, ये भारत की तरफ से फ्लैग बियरर होंगी। ओलंपिक गेम्स की बात करें तो विंटर ओलंपिक्स हैं वो 2018 में हुए थे, ये साउथ कोरिया के प्योंगचांग में हुए थे। इससे पहले 2014 में रशिया के सोची में हुए थे, जबकि 2022 में ये चाइना के बीजिंग में होने हैं। समर ओलंपिक्स की बात करें तो लास्ट समर ओलंपिक्स 2016 में ब्राज़ील के रियो में हुए थे, जबकि नेक्स्ट समर ओलंपिक्स 2020 में जापान के टोक्यो में होने हैं। समर यूथ ओलंपिक्स की बात करें तो ये 2018 में अर्जेंटीना में होंगे। इन्हीं ओलंपिक गेम्स के लिए मिस मनु भाकेर को भारत की साइड से फ्लैग बियरर घोषित किया गया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।